साथियों शाला दर्पण टीम की ओर से प्ले स्टोर पर शाला दर्पण शिक्षक ऐप पहले ही उपलब्ध करवा दिया गया है। अब शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर आपको कार्य कैसे करना है, आपकी उपस्थिति आपको कैसे लगानी है, विद्यार्थी की उपस्थिति आपको कैसे दर्ज करनी है, वो संपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो में पहले ही आपको चैनल पर अवेलेबल करवा चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो का लिंक मैंने वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों अब बात करें हम आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसका उपयोग हमें कैसे करना है, उससे जुड़े जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं श्रीमान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों से मैं आज आपका इस वीडियो में परिचय करवाने वाला हूं। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं या फिर आपको नवीन जानकारी अवेलेबल करवाते हैं उन्हें चैनल पर सबसे पहले आपके लिए लेकर आता हूँ और सबसे उचित प्रक्रिया के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपकी समस्या का भी समाधान होता है और आपके ज्ञान का भी वर्धन होता है। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम परिचित हो लेते हैं उन दिशा निर्देश से जो श्रीमान कार्यालय निदेशक राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किए गए हैं, जिनका विषय है शाला दर्पण शिक्षक ऐप के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो विस्तृत दिशा निर्देश हमें दिए जा रहे हैं ये किससे संबंध में दिए जा रहे हैं, शाला दर्पण शिक्षक ऐप के संबंध में दिए जा रहे हैं। यहाँ हमें बताया जा रहा है उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि दिनांक 5/9/2023 शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में राजकीय विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप का शुभारंभ कब किया गया है वो आपको यहाँ क्लियर हो जाता है कि 5/9/2000 मतलब शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इस ऐप का शुभारंभ किया गया है, ये जानकारी हमें यहाँ दी जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक, साथियों आपको यहीं से ध्यान देना है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक द्वारा स्टाफ आईडी से लॉगिन कर स्वयं की उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के सेक्शन चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंद्राज कर पाएंगे। मतलब इस ऐप पर आपको कार्य कैसे करना है वो जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। तो मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही इससे संबंधित वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल करवा चुका हूँ। तो आपको ज्यादा डिटेल जाननी है ऐप के मामले में तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया है। आगे यहाँ हमें जानकारी दी जा रही है, इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का रियल टाइम डेटा पूर्व में चल रहे शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थित मॉड्यूल से सिंक हो जाएगा। मतलब जो आप ऐप के माध्यम से जो विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करेंगे और आपकी उपस्थिति दर्ज करेंगे वो ऑटोमेटिकली शाला दर्पण जो आपका पोर्टल है उस पर डेटा सिंक हो जाएगा। आप यदि ऐप पर भी कार्य करेंगे तो वो शाला दर्पण पर डेटा आ जाएगा, ये जानकारी हमें यहाँ दी जा रही है। सिंक होने के पश्चात यह डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर के कार्यालयों के लॉगिन पर सहज उपलब्ध हो जाएगा। मतलब अब आपको क्लियर हो चुका है कि आप ऐप से जो कार्य करेंगे वो शाला दर्पण पोर्टल पर चला जाएगा और राज्य स्तर तक वो कार्य प्रदर्शित होने लगेगा। अब प्रथम चरण में यह कार्य राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है। साथियों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो ये प्रथम चरण है इसमें जो ये कार्य प्रारंभ होगा, इस ऐप पर कार्य जो करना होगा वो उच्च माध्यमिक विद्यालय के जितने भी हमारे अध्यापक साथी हैं उनको करना होगा, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में जो हमारे साथी अध्ययन करवाते हैं या माध्यमिक में अध्यापन करवाते हैं उनके लिए अभी ऐप पर कार्य उनको नहीं करना है, इस आदेश से क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी ऐप का प्रथम चरण है, हो सकता है बाद में सभी के लिए लागू कर दिया जाए, परंतु अभी आपको यहाँ कहा जा रहा है कि प्रथम चरण में यह कार्य राज्य के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है, इस हेतु निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। तो अब आपको यहाँ क्लियर किया हो चुका है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जितने भी हमारे अध्यापक बंधु है
उनको इस ऐप पर कार्य करना होगा और कार्य कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है कि वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो की सहायता लेकर आपको क्या कार्य करना है वीडियो में आप बड़े आसानी से जान सकते हैं। अब आपके संस्था प्रधान होने के नाते आपके क्या दायित्व रहेंगे, जो भाई ऐप आया है उससे संबंधित आपके दायित्व क्या रहेंगे संस्था प्रधान होने के नाते, वो आपको यहाँ स्पष्ट किए जा रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप को डाउनलोड व इंस्टॉल करवाना। यदि आप संस्था प्रधान है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आप संस्था प्रधान है तो आपका दायित्व रहेगा कि आपके अधीनस्थ जितने भी शिक्षक साथी है या आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक साथी है उनके मोबाइल में आपको ये शाला दर्पण शिक्षक ऐप जो है डाउनलोड करवाना है और इंस्टॉल करवाना है। दूसरा दायित्व तो आपका बताया जा रहा है यह सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्यतः दर्ज हो। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि ऐप के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति प्रत्येक दिवस दर्ज होनी चाहिए। संस्था प्रधान होने के नाते ये आपका दायित्व तो रहेगा, मतलब ये मॉनिटरिंग आपको करनी है। प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना। और आपको ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि शाला दर्पण पर एक टैब है कक्षा अध्यापक मैपिंग, उस पर सभी कक्षा के अध्यापकों की मैपिंग करना अनिवार्य है। और यदि आपको कक्षा अध्यापक मैपिंग करने में किसी प्रकार की समस्या है तो साथियों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी उपलब्ध करवा दिया है जिसमें आपको बताया है कि आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से कक्षा अध्यापक मैपिंग कैसे करनी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपके जो स्टाफ की कक्षा अध्यापक मैपिंग उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो संस्था प्रधान होने के नाते आपका दायित्व बन जाता है कि आपको सभी कक्षाओं के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर करवा लेनी है। उसके बाद अगला दायित्व आपका रहेगा कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर। अब ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप प्रधानाध्यापक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। मतलब जब कक्षा अध्यापक अनुपस्थित रहेगा, मान लो वो अवकाश पर रहे या किसी कारण से विद्यालय में ना रहे, ऐसी कंडीशन में शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर भी विद्यार्थियों की उपस्थिति का मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है तो उस मॉड्यूल के माध्यम से आपको उपस्थिति दर्ज करवानी है विद्यार्थियों की। मतलब विद्यार्थियों की उपस्थिति एनी हाउ कंडीशन जो नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है उसके माध्यम से दर्ज होनी चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी की। अब उस मॉड्यूल पर आपको कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए भी मैंने चैनल पर पहले ही आपकी सहायता हेतु वीडियो अवेलेबल करवा दिया है। तो आपको अगर उस वीडियो की आवश्यकता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो की हेल्प ले लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि शाला दर्पण पर जो मॉड्यूल उपलब्ध है विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करने का, उस पर आपको कार्य कैसे करना है संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में आपको दे दी है। अब अगला जो दायित्व आपको यहाँ बताया जा रहा है, कक्षा अध्यापकों द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति एवं स्टाफ की ऐप पर दर्ज व पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना। मतलब आपको यह ध्यान रखना होगा कि स्टाफ जो विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और अपनी स्वयं की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं उसको प्रमाणीकरण भी आपको करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे हमें यहाँ बताया जा रहा है कि कक्षा अध्यापक होने के नाते आपके क्या दायित्व रहेंगे। यदि आप कक्षा अध्यापक है तो आपके क्या दायित्व है, यहाँ बताया जा रहा है ये सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हो रहे हो। आपको क्या ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि जितने आपके जो उपस्थिति पंजिका छात्र उपस्थिति पंजिका है उसमें जितने विद्यार्थी है उतने के उतने ऐप पर भी प्रदर्शित होने चाहिए। कक्षा अध्यापक होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित ना हो तो उसका प्रपत्र नो पूर्ण करना है। अब आपको यहाँ सॉल्यूशन बताया गया है कि यदि आप ऐप पर विद्यार्थियों को देख रहे हैं, मान लो कि आपके एक विद्यार्थी वहां कम प्रदर्शित हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कक्षा अध्यापक होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप उस विद्यार्थी की जो विद्यार्थी आपको कम दिखाई दे रहा है उस विद्यार्थी के प्रपत्र 9 को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। जब आप प्रपत्र 9 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो बिल्कुल आपके सामने सारे विद्यार्थी ऐप पर प्रदर्शित हो जाएंगे। अगला दायित्व आपका यहाँ बताया जा रहा है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों
के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति दर्ज करना। मतलब आपको यह भी ध्यान रखना है कक्षा अध्यापक होने के नाते कि आपको विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रथम कालांश में ही दर्ज कर देनी है, बाकी कालांश का आपको वेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्लास में जाना है और कक्षा की उपस्थिति, कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की उपस्थिति आपको ऐप के माध्यम से दर्ज कर देनी है। उसके बाद आपको उपस्थिति पंजिका में, तो जो हमारा रूल है पहले का कि हम उपस्थिति पंजिका में ऑफलाइन जो विद्यार्थियों की उपस्थिति लेते हैं वो उपस्थिति तो आपको लेनी है, परंतु अब ऑनलाइन ऐप पर भी आपको विद्यार्थियों की उपस्थिति, प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करनी है। अब यहाँ स्टाफ के दायित्व क्या रहेंगे, कक्षा अध्यापक के अतिरिक्त जो स्टाफ रहेगा उनका क्या दायित्व रहेगा, तो उनका दायित्व भी यहाँ क्लियर कर दिया गया है। प्रतिदिन प्रथम कालांश से पूर्व स्वयं की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करना। मतलब प्रत्येक कार्मिक जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है उनको अपनी उपस्थिति स्वयं दर्ज करनी होगी, ऐप के माध्यम से दर्ज करनी होगी और प्रथम कालांश से पूर्व ही दर्ज करनी होगी। यहां से क्लियर हो जाता है। अगला जो इंस्ट्रक्शन यहाँ हमें दिया जा रहा है, स्टाफ के लिए संस्था प्रधान द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले निर्देशों की पालना करना। इस बिंदु से तो आप सभी अवगत है कि यदि आपको संस्था प्रधान कोई निर्देश देगा तो आपको उनकी पालना करनी है। अब यदि आप विद्यालय में शाला दर्पण प्रभारी का दायित्व निभा रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या यहाँ निर्देश है वो उनसे भी हम परिचित हो लेते हैं। जिन विद्यालय में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालय में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा, अतः द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध आपको करवाना होगा। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जिन विद्यालय में ये ऐप कार्य करेगा, कौन से विद्यालय में ऐप कार्य करेगा, आपको क्लियर हो चुका है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जितने भी है हमारे वहां ये ऐप कार्य करेगा और ऐप में जो कक्षा अध्यापक संबंधित कक्षा की उपस्थिति दर्ज करेंगे और स्वयं की उपस्थिति भी दर्ज करेंगे उनकी उपस्थिति ऑटोमेटिकली शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। अब आपको शाला दर्पण प्रभारी होने के नाते आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी है, आपको देखना है कि कौन से अध्यापक ने प्रथम कालांश में जो है वो विद्यार्थियों की और स्वयं की उपस्थिति दर्ज नहीं की है, उनकी सूचना आपको संस्था प्रधान महोदय को दे देनी है, ये काम आपका रहेगा। दूसरा काम आपका रहेगा, प्रथम चरण में केवल कक्षा अध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा होगी। अब आपको यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सभी साथी इससे घबराए नहीं, जिन जिन को भी कक्षा अध्यापक बनाया जाएगा या जिनकी कक्षा अध्यापक मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर की हुई होगी वही साथी ऐप पर लॉगिन कर पाएंगे, यहाँ से क्लियर हो जाता है। अतः इस चरण से संबंधित समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी कक्षा अध्यापकों के अतिरिक्त जिस स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरणों में प्रारंभ होगी उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से भरेंगे। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ कक्षा अध्यापक जो आपने बनाए हैं वही अपनी उपस्थिति और विद्यार्थियों की उपस्थिति इस ऐप के माध्यम से दर्ज कर पाएंगे, बाकी जो अध्यापक बचेंगे उनकी उपस्थिति आपको क्या करना है, जो शाला दर्पण पर हमारा पोर्टल है हम जो डेली हमारी उपस्थिति भरते हैं उसी अनुसार भरेंगे जैसे पहले कार्य कर रहे थे। अब आगे जो यहाँ हमें कहा जा रहा है, कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। यदि कक्षा अध्यापक अनुपस्थित रहेगा तो उस कंडीशन में आपको जो पोर्टल पर मॉड्यूल है उसकी सहायता लेते हुए विद्यार्थियों की उपस्थिति आपको दर्ज कर देनी है। तो ये थे साथियों शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व जिनसे मैंने आपको परिचित करवा दिया है। बाकी हमें मार्गदर्शन इस आदेश में दिया जा रहा है कि संभाग, जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के दायित्व भी हमें यहाँ बताए जा रहे हैं, तो यदि आप इनको जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ आपको मुख्य बिंदु जो दिया हुआ है उससे परिचय करवा देता हूँ कि यहाँ बताया जा रहा है उक्त मॉड्यूल के प्रभावी संचालन हेतु दिनांक 22/9/2023 को ऑनलाइन वेबिनार रखी गई है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो 22/9/2023 है उसको इस शाला दर्पण शिक्षक ऐप इस पर कार्य करने की प्रक्रिया बताने हेतु एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित उक्त वेबिनार में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मतलब आपको उस वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो उस प्रशिक्षण में शामिल आपको होना है। अब आगे हमें यहाँ जानकारी दी जा रही है, दिनांक 2/10/2023 से सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी उपस्थिति इसी ऐप से दर्ज करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि दिनांक 2/10/2023 से सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें विद्यार्थियों की उपस्थिति इसी ऐप के माध्यम से दर्ज होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों
ये थे हमारे जो दिशा निर्देश किससे संबंधित, शाला दर्पण शिक्षक ऐप से संबंधित जो दिशा निर्देश हमें जारी हुए हैं वो, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि यदि आप संस्था प्रधान के पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपके क्या दायित्व है, कक्षा अध्यापक है तो आपके क्या दायित्व है, स्टाफ है तो आपका क्या दायित्व बनता है, शाला दर्पण प्रभारी है तो आपका क्या दायित्व बनता है, संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ क्लियर कर दी है। फिर भी यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है, कोई सवाल है, तो ऐसी कंडीशन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।